मेरी उम्र के करीबन 28 साल तक मैं बहुत अंधविश्वासी था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूं। एक तरफ मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी थे, उनका जो वीकली था साम्योग उसके संपादक थे, लेकिन दूसरी ओर वो बहुत ही अंधविश्वासी थे। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था। मैं वर्धा में पढ़ रहा था, भूत लगा था। यवतमाल में मेरी खेती है, वहां के लाड़खेड़ गांव के एक बड़े मांत्रिक के द्वारा मेरा भूत उतारा गया। बचपन में घर से बाहर पढ़ते वक्त मैं कभी चप्पल पहने बिना बाहर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे हमेशा जारण मारण प्रक्रिया का डर लगता था। शायद मेरे पैर के नीचे की कोई मिट्टी पर पकड़ ले और उसकी अगर गुड़िया तैयार करे तो उस गुड़िया की अगर गर्दन उधर मरोड़ी गई तो मेरी गर्दन यहाँ मरोड़ी जाएगी, इसका मुझे बहुत डर लगता। मंत्र तंत्र जादू टोना से लेकर हर चीज का डर मेरे मन में था। मैं खुद कई बाबाओं का भक्त था, उनके पैर धोता था, उनकी झूठन खाता था, उनकी सेवा करता था। मेरे पिताजी बहुत ही अंधविश्वासी होने के कारण आसपास में जो भी बाबा आता सबसे पहले मेरे पिताजी को पकड़ता। पिताजी पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, अगर मेरे पिताजी उनके भक्त बनते हैं तो कहीं आसपास के एमएलएस एमपीस से लेकर बड़े बड़े लोग उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए आते थे। इसलिए कई बाबा बड़े बनते हुए मैंने अपने आसपास देखे हैं। वे क्या करते हैं ये बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन उन सब चीजों पर मेरी श्रद्धा थी। इसी वातावरण में पलते बढ़ते ज्योतिष पर मेरा बहुत विश्वास था। मेरे कॉलेज के जीवन में जब मैं विद्यापीठ परिसर में पढ़ रहा था तब खुद ज्योतिष का छोटा मोटा व्यवसाय भी करता था, क्योंकि तब मेरी श्रद्धा थी कि ज्योतिष में कुछ तो भी तथ्य है। कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के अंधविश्वासों का मैं भुगत चुका हूं मेरे जीवन में और उसके परिणाम भुगतने वाला एक भक्त हूं। इसलिए आम भक्त की जो मानसिकता होती है वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझती है। मैं कॉलेज में तरुण भारत में हालांकि मैंने पत्रकारिता शुरुआत की तब मैं पढ़ रहा था, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लाई तब पढ़ रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, जेल में गया, वर्धा के जेल में 10 महीने रहा, बाद में छूटने के बाद में फिर पढ़ने के लिए यहाँ आया। तब तरुण भारत में मैं कॉलम लिख रहा था, एक तरफ बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार में रखता था और दूसरी तरफ सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में कायम थे। अंग्रेजी का अध्यापक बना फिर भी मेरे अंधविश्वास कायम थे। जयप्रकाश नारायण के संगठन का मैं विदर्भ का, बाद में महाराष्ट्र का चीफ बना, तरुण शांति सेना उसका नाम था, देश भर में घूमता था, अलग अलग विषयों पर व्याख्यान देता था, मार्क्सवाद से लेकर गांधीवाद तक चर्चा करता था, लेकिन मेरे अंधविश्वास कायम थे। जब मैं पूना में किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी के लिए गया तब मेरा ये बुद्धि प्रामाण्यवादी विचारों से रैशनल विचारों से परिचय हुआ। डॉक्टर अब्राहम कूर की 2 किताबें बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स ये मैंने पढ़ी। तब तक मैं अपने आप को बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति समझता था, मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी थी, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी थी, मोक्ष प्राप्त करना था, और इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ऊंचे विचार होते हैं उसका मुझे बहुत अच्छे ढंग से परिचय था। विनोबा जैसे बहुत ही ऊंची पहुंची हुई आध्यात्मिक व्यक्ति के आश्रम से मेरा लगातार संबंध रहा था, और इसलिए मेरे आध्यात्मिक सभी सवालों के जवाब आज का विज्ञान दे सकता है, ये 2 किताबों के माध्यम से जब मुझे पता चला तो मुझ में परिवर्तन हुआ और मैंने अपने पत्रकारिता में ही भांडाफोड़ शुरू कर दिया। विजय तेंदुलकर जी का नाम आपने सबने सुना है, उनका गहराई नाम का चित्रपट आया, ये गहराई में पद्मिनी कोल्हापुरे का न्यूड सीन था इसलिए बहुत ही इस पिक्चर की चर्चा हुई। इसकी स्क्रिप्ट विजय तेंदुलकर जी ने लिखी थी और विजय तेंदुलकर बहुत ही प्रोग्रेसिव राइटर माने जाते थे। मैं जिस वीकली में काम करता था किर्लोस्कर के मनोहर, उसमें मैंने कवर स्टोरी लिखी और इनको आह्वान दिया विजय तेंदुलकर जी को कि आप कहते हो, क्योंकि उसमें बताया क्या गया था कि डॉक्टर श्रीराम लागू जो पद्मिनी के कोल्हापुरे के पिताजी हैं,
वे बहुत ही रैशनल है, बुद्धिवादी है, ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जब पद्मिनी कोल्हापुरे के शरीर में भूत आना शुरू होता है, भानामती की केस होती है, यानी कपड़े अपने आप जलना, जो चीजें पकाई जाती है उसमें गंदगी आना, ये भानामती पोल्टरजेइस्ट फेनोमेना है, इसमें दोनों मिक्स थे, भूत का भी और पोल्टरजेइस्ट फेनोमेना का भी, तो उस पर उनका विश्वास बैठता है और वो अपनी रैशनैलिटी छोड़ देते हैं। इस ढंग की ये फिल्म थी। अरुणा विकास इसके डायरेक्टर थे। और ये आह्वान देने के बाद में मेरी वहां से शुरुआत हुई। हालांकि विजय तेंदुलकर हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे प्रेस के बहुत ही अच्छे मित्र थे, उनकी प्रोग्रेसिव इमेज थी, इसके बावजूद उसकी शुरुआत इस ढंग से हुई। और उसके बाद में मैंने अपने पत्रकारिता में कई बाबाओं का भंडाफोड़ करना शुरू किया। उसके बाद में मैं फिर से तरुण भारत में आया। मेरे विचार इतने बदल चुके थे कि तरुण भारत को सहन करना मेरे लिए, यानी मुझे सहन करना उनके लिए बहुत कठिन हुआ। जिस वीकली के लिए मैं यहाँ आया था वो वीकली ही बंद कर दी ताकि मुझे नौकरी से न निकालना पड़े, क्योंकि माघो वैद्य हमारे संपादक थे और वो कह रहे थे कि मैं इसको नौकरी से नहीं निकाल सकता हूँ, इसलिए वीकली ही बंद कर दी। तब मेरे ध्यान में आया कि मैं पत्रकार कर काम करना चाहता हूँ, जहाँ विचारों का कोई संबंध नहीं होता या फिर विचारों की कोई झंझट नहीं होती है, वहाँ इंसानों से मेरी जमती नहीं है। आखिरी तक माघो वैद्य और दीभा घुमरे, ये जो दो मेरे संपादक थे, वो मेरे साथ में खड़े थे, मुझे निकालने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ विचारों से मैं जम नहीं पा रहा हूँ। तो पत्रकारिता में अपने विचारों के आधार में नौकरी करे ये संभव नहीं है, ये मेरे ध्यान में आने के बाद में मैंने निर्णय लिया। और 1982 में तरुण भारत ने जैसे ही वीकली बंद करने का निर्णय लिया, 1982 दिसंबर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से यह आंदोलन की मैंने शुरुआत की। मित्रों, क्यों शुरुआत की? उसके पीछे का कारण था कि मुझे इतने विषयों का इतना अच्छा ज्ञान है, देश भर में घूम घूम कर मैं व्याख्यान देता हूं, कई विषयों पर मैं लिखता हूं, मेरे लिखने पर लोग प्रेम करते हैं, व्याख्यान पर लोग प्रेम करते हैं, और मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है। इसके बावजूद मेरे जीवन में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिली थी 1980 तक कि जो कॉन्फिडेंटली कहे इस दुनिया में भूत नहीं होता है, इस दुनिया में चमत्कार नहीं होता है, किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और ज्योतिष ये साइंस नहीं है, ये कहने वाला एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं मिला था। जो मैंने अपने जीवन में भुगता है, मेरे पिताजी का, वो जिंदा थे तब उनकी उनका श्राद्ध बनाया गया, मेरे घर में ही वो श्राद्ध। आप कल्पना कर सकते हो कि जो व्यक्तियां ने मेरे पिताजी ज्ञानेश्वरी का निरूपण करते थे, तुकाराम की गाथा लोगों को समझा कर बताते थे, साम्ययोग के संपादक थे, वो जिंदा रहते, एक बाबा उनका श्राद्ध करे और मेरे घर में वो हो, ये ऐसे कई मैंने अनुभव अपने जीवन में लिए हैं। तो जब मुझे पता चला कि यह सब झूठा है, लोगों तक पहुंचाने की इसकी आवश्यकता है, तो उसके पीछे की भावना थी जो मेरे घर का हुआ, मेरे माता पिता का हुआ, मेरे भाई बहनों का हुआ, जो मेरा हुआ वो बाकी आम लोगों का ना हो, इसलिए उनको जागरूक करने के लिए ये मोमेंट।